हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सपीरियंस चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ शोगन के एपिसोड 5 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल, तो 5th एपिसोड की शुरुआत हमें तोरानागा के रिटर्न से दिखाई जाती है, जिसने अपनी पूरी आर्मी ले आया है। लेकिन वो इस बार अकेला नहीं, बल्कि मैरिको के मरे हुए हस्बैंड बुंटारो के साथ लौटा है। जी हाँ, वो जिंदा है, जो कि उस सिचुएशन से बच निकला, वो भी अपने एक दोस्त की मदद से, जिसे देख मैरिको ही नहीं बल्कि ब्लैकथॉर्न भी काफी शौक है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि तोरानागा ने बुंटारो को ब्लैकथॉर्न के साथ शिफ्ट होने के लिए कहा है। पर हम देख पाते हैं कि बुंटारो बारबेरियन के साथ रहने में बिल्कुल खुश नहीं, और उसी कारण से उन दोनों के बीच हमें टेंस डिनर देख पाते हैं, जो डिनर देखते ही देखते एक कॉम्पिटिशन बन जाता है, वो भी साके के कप और नूडल्स के बाउल को खाते हुए। साथ ही ब्लैकथॉर्न बुंटारो से ये सुनना चाहता है कि वो उस सिचुएशन से बचकर कैसे निकला। लेकिन हम देख पाते हैं कि बुंटारो उसे स्टोरी बताना नहीं चाहता, क्योंकि बुंटारो के अकॉर्डिंग स्टोरी सिर्फ बच्चों के लिए होती है। पर उसके बदले वो उसे ये प्रूव करता है कि उसका बो एंड एरो ब्लैकथॉर्न के कैनन से काफी ज्यादा घातक है, जिसके बाद क्या वो अपने बो एंड एरो के लिए डिमांड रखता है और सीधा ब्लैकथॉर्न को अपना टारगेट चुन लेता है। और ब्लैकथॉर्न के काफी बार चिल्लाने पर भी बुंटारो उसकी नहीं सुनता, जिसके बाद वो सीधा मैरिको को एम करता हुआ अपने एरो को शूट कर देता है, जिस जगह से मैरिको हिलती तक नहीं। पर हाँ, बुंटारो की स्किल्स इतनी अच्छी है कि वो एरो मैरिको को छूता तक नहीं। और ऐसे ही बुंटारो दो एरो को शूट करता है, जिस कारण ब्लैकथॉर्न उसे ये कहता है कि तुम्हारी वाइफ ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती, जिससे बुंटारो हंसने लग जाता है और मैरिको को उसकी स्टोरी शेयर करने के लिए कहता है, ताकि ब्लैकथॉर्न को पता चले कि मैरिको के साथ वो ऐसा क्यों बिहेव करता है। जिस कारण मैरिको उसे बताती है कि उसके फादर ने एक करप्ट रूलर को मारा था, जिस कारण उसका खामियाजा उसकी फैमिली को भुगतना पड़ा, वो भी अपनी जान देकर। और तब से ही मैरिको एक रिग्रेट में जी रही है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अपने फादर का पछतावा कर रही है, जिसे वो काफी ग्रेटफुल है कि उसके हस्बैंड ने उसे जीने की एक परमिशन दी है। और इतना कहकर मैरिको वहां से चली जाती है, जिसके कुछ समय बाद ब्लैकथॉर्न को कमरे के अंदर से हाथापाई की और किसी के भागने की आवाज आती है, जिस कारण वो जैसे ही रूम के अंदर चेक करने के लिए बढ़ता है, तो उसे पता चलता है कि बुंटारो ऑलरेडी वहां से जा चुका है। लेकिन बात करें मैरिको की, तो बुंटारो ने उसे काफी मारा है, जिस कारण मैरिको उन सभी को वहां से जाने के लिए कहती है। जो सुन ब्लैकथॉर्न वहां से निकल तो जाता है, लेकिन बुंटारो की तलाश में, जो उसे आधे रास्ते पर मिल तो जाता है, पर उनके बीच कुछ होता नहीं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वही बात करी बुंटारो की, जिसने अपनी स्वॉर्ड को उसके सामने पेश कर दिया है, वो भी उसे माफी मांगते हुए, जिस कारण ब्लैकथॉर्न उसे जाने के लिए कह देता है। पर उसे उसे ये जरूर समझ आया है कि बुंटारो बिल्कुल भी अच्छा शख्स नहीं, जिसकी दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि मैरिको इन सारी चीजों के लिए खुद को ही ब्लेम कर रही है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसने ब्लैकथॉर्न से बातचीत करने से तक मना कर दिया है, उसे यही बताते हुए कि अब से वो लोग तभी ही बात करेगी जब वो उसे ट्रांसलेट करेगी। और अब इन सारी चीजों से हटकर बड़ी एक छोटी सी साइड स्टोरी की तरफ, तो हम देख पाते हैं कि ब्लैकथॉर्न को तोरानागा ने एक मरा हुआ तीतर दिया था, जिसे वो अपने घर के बाहर टांग देता है, वो भी सभी लोगों को ये बताते हुए कि ये यहाँ पर जब तक टंगा रहेगा जब तक ये पूरी तरह सड़ नहीं जाता, जिससे आसपास के सभी लोग काफी ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन तोरानागा जब मैरिको से बात कर लौट रहा होता है, तो वो देख पाता है कि सभी लोग, यानी कि ऑलमोस्ट लोकल लोग रो रहे हैं, और साथ ही वो बर्ड भी मिसिंग है। लेकिन जब वो लेडी फूजी से आकर पूछता है कि हुआ क्या है, जिसके जवाब में लेडी फूजी उसे बताती है कि गार्डनर को मार दिया गया, जो चीज ब्लैकथॉर्न को समझ नहीं आती। लेकिन उसे याद आता है कि उसने मजाक में सभी लोगों से ये कहा था कि अगर कोई भी उस बर्ड को निकालेगा तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, जिस कारण ही गार्डनर नहीं रहा, क्योंकि उसने उस मरे हुए पक्षी को वहां से निकाला था। जो चीज ब्लैकथॉर्न को पसंद नहीं आती है, वो सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कह देता है, और यहां से सीधा मैरिको और तोरानागा के पास जा पहुंचता है, जिन्हें वो गार्डनर की मौत के बारे में बताता है, जिससे वो काफी ही गिल्ट में है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मैरिको उसे यही जवाब देती है कि हम जीते हैं और हम मरते हैं, ये आम बात है। लेकिन गार्डनर की मौत के साथ सिर्फ यही किस्सा जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि एक और किस्सा है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम देख पाते हैं कि एक सडन अर्थक्वेक आ पहुंचता है, वो भी तब जब ब्लैकथॉर्न तोरानागा के पास आता है अपने घर लौटने के लिए, उसे बताते हुए, और साथ
थी गार्डनर की मौत के बारे में, जो बात उनकी हो नहीं पाती क्योंकि अर्थक्वेक के कारण तोरानागा गिर जाते हैं, जो जमीन के अंदर दफन हो चुके हैं, जिन्हें उस सिचुएशन से नागाकाडो और ब्लैकथॉर्न जल से जन निकालते हैं। पर उस कारण तोरानागा अपनी स्वॉर्ड खो चुका है, जिसके बदले ब्लैकथॉर्न उसे लेडी फूजी की फैमिली की स्वॉर्ड ऑफर कर देता है। साथ ही तोरानागा और बाकी सभी देख पाते हैं कि विलेजर्स का भी बुरा हाल है, जिस कारण वो सभी विलेज लौट आते हैं और देख पाते हैं कि काफी लोग इंजर्ड हो चुके हैं। बात करें लेडी फूजी की, तो उसे भी काफी सारी चोटें लगी है, जिस कारण ब्लैकथॉर्न उसे कम्फर्ट करते हुए गार्डन के पास लौट आता है और उस रॉक को वापस उसकी जगह रखता है जहाँ गार्डनर ने रखा हुआ था। और उसी के साथ बात करें योबुशेगी की, तो हम देख पाते हैं कि उसने उनके बीच एक स्पाई को नोटिस किया है, यानी कि एक जासूस को, जो उसके साथ रहते हुए लॉर्ड तोरानागा को रिपोर्ट कर रहा है। और हम देख पाते हैं कि ये सच बात है, क्योंकि हम एक ओल्ड फिशरमैन या फिर समुराई मुराजी को देख पाते हैं जो तोरानागा को रिपोर्ट करता है, क्योंकि उन्हें याबुशिगे पर भरोसा नहीं। लेकिन अब जबकि याबुशिगे को पता चल चुका है कि उनके बीच एक जासूस है, तो अब मुराजी और नागाकाडो का ये काम है कि वो लोग उसे एक स्पाई ढूंढकर ला के दें, क्योंकि तोरानागा ये नहीं चाहते कि वो अपने काफी पुराने समुराई को ऐसे ही खो दे। और उसी वजह से हम देख पाते हैं कि मुराजी काफी अच्छे से सारी चीजों को गार्डनर पर डालने में कामयाब होता है, जिसकी बातों पर शायद से याबुशिगे ने भरोसा कर लिया है, जो शायद मुराजी के लिए अच्छा ही है। और एपिसोड खत्म होते होते हम देख पाते हैं कि लेडी ओचिबा फाइनली ओसाका लौट आई है, जो आते ही लॉर्ड इचिरो को अपना थैंक्स कहती है, वो भी उसे वापस घर लाने के लिए, लेकिन साथ ही उसे काफी सुनाती भी है तोरानागा की चतुराई पर, जिसके बदले इचिरो यही क्लेम करता है कि उसने सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन लेडी ओचिबा अपने बेटी को लेकर कंसर्न है, जिस कारण वो पॉलिटिक्स को अब खत्म करने के लिए कह रही है, क्योंकि अब उसे काउंसिल से जवाब चाहिए। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है, उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉप मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।